लाला, मैंने इसीलिए आपको सब कुछ पहले से बता दिया। मुझे पता था कि फैराम खान दरकजाई को जाकर बताएगा। मुझे तो तुमने बता दिया, लेकिन उसका क्या करूं जो सुनते ही भड़काओ काने को दौड़ रहे। उसका बस नहीं चल रहा तो मैं कत्ल कर दे। क्यों लाला, क्या औरतों का शॉपिंग पर जाना इतना इतना बुरा है कि उसे कत्ल ही कर दिया जाए? तुम्हें अगर कुछ चाहिए था तुम मुझे बता देती, मैं फौरन पहुंचा देता। ऐसे अकेले जाने की क्या तुक थी? अकेले थोड़ी गई थी, अपनी रूममेट के साथ गई थी, बिया के साथ, और हमारी सीनियर हमको लेकर गई थी। लाला, आपको पता है बाहर मुल्कों से इतनी सारी लड़कियां आकर रुकी हुई है, वो अकेली आती है, अकेली जाती है, सारे काम खुद करती है। अकेले आना जाना मायूब नहीं होता, इरादे मायूब हो सकते। अच्छे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये जो शहर के लोग हैं ना, तुम नहीं जानते, इनके दिल बहुत छोटे होते हैं। ये अपने मफाद के लिए इंसानियत बेच देते हैं, तुम्हें नहीं पता। अच्छा ना, अब जहां भी जाऊंगी आपको बता कर जाऊंगी, मगर आप दरअसल को तो समझाए ना, मेरा रोज अस्पताल आना जाना होता है। अब तो गांवों में भी कैंप लगेंगे, मुझे तो वहां जाना पड़ेगा। लड़कों के साथ हरगिज नहीं जाओ। सिर्फ लड़के नहीं होते, लड़कियां भी होती है, और सीनियर्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, सब लोग होते हैं। ये मेरी पढ़ाई का हिस्सा है। या खुदा पाक, मैं तो सिर्फ पहाड़ों को मुश्किल समझता था, ये तुमने सब छोड़ के कौन सी पढ़ाई पकड़ ली? हर वक्त तुम्हारी तरफ से दिल मुट्ठी में रहता है। क्यों रखते हैं दिल को मुट्ठी में? शान से भाभी को रख के ना उसमें। पता नहीं क्यों वो आपसे कफा कफा रहती हैं। उस दिल में उनको रख के सब ठीक हो जाएगा। ये सब बातें छोड़ो, जो मैंने बोला उस पे ध्यान दो।